हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो इंडियन सुपर लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से जमशेदपुर एफसी और बेंगलुरु एफसी के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं इन दोनों टीमों के जो पॉइंट्स टेबल वहाँ पर। तो गाइस जमशेदपुर एफसी इस लीग में थर्ड पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें बेंगलुरु एफसी इस लीग में टेंथ पोजीशन पर है। तो गाइज इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें ही काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। अब गाइज बात करें जमशेदपुर एफसी इस लीग में 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से 3 मैच इस टीम ने विन किए हैं, 2 मैच ड्रॉ भी खेले हैं, सिर्फ एक ही मैच इस टीम ने लॉस किया है। अटैकिंग वाइज 13 गोल किए हैं, लेकिन डिफेंस इस टीम ने सिर्फ 8 ही गोल कंसीड किए हैं। तो गाइज 6 मैच में 13 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इस टीम का अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस है। प्रत्येक मैच में 2.1 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इस टीम ने 6 मैच में सिर्फ 8 ही गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इस टीम का जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज से टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 2 और कभी कभी तक हल्की और एवरेज टीम के सामने पर मैच में 3 गोल भी कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में 1 और कभी कभी तक बेहतर टीम के सामने पर मैच में 2 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज काफी शानदार है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें बेंगलुरु एफसी इस लीग में 7 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से 1 मैच इस टीम ने सिर्फ विन किया है, बल्कि 2 मैच ड्रॉ भी खेले और 4 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 11 गोल करें, लेकिन डिफेंस इस टीम ने 15 गोल कंसीड किए हैं। तो गाइस 7 मैच में 11 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इस टीम का अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस है। प्रत्येक मैच में 1.5 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से टीम गोल करती है। वहीं पर बात करें इस टीम ने 7 मैच में 15 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इस टीम का जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है प्रत्येक मैच में 2.1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज से टीम गोल कंसीड करती है। तो गाइस अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 और कभी कभी तो एक बेहतर टीम के सामने और एक एवरेज टीम के सामने भी पर मैच में 2 गोल कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में 2 और कभी कभी तो एक बेहतर और एक हल्की टीम के सामने भी 3 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो अटैकिंग वाइज अच्छा है, लेकिन डिफेंसिव वाइज काफी डाउन देखने को मिलता है। तो गाइस अब बात आती है इन दोनों टीमों में से किस टीम को हम अपनी ड्रीम 11 टीम के लिए फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस मैं फिलहाल के लिए जमशेदपुर एफसी को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूं। क्यों? क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है इस लीग में वो काफी शानदार रहा है, अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारे शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइज इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच हुए, जिनमें से जमशेदपुर एफसी ने 3 मैच विन किए हैं और इस टीम के सामने 1 मैच ड्रॉ भी खेला और सिर्फ एक ही मैच लॉस किया। अटैकिंग वाइज 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब जमशेदपुर एफसी इस टीम के सामने खेलती है तो पर मैच में कम से कम 1 और कभी कभी तो इस टीम के सामने पर मैच में 2 या 3 गोल तक भी कर देती है, लेकिन डिफेंस वाइज इस टीम के सामने जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बल्कि प्रत्येक 2 मैच में ही 1 ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिलता है जमशेदपुर एफसी की ओर से, अटैक से लेकर डिफेंस तक हेड टू हेड में भी। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ वो मैच जमशेदपुर एफसी 3-2 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज 3 गोल करे, लेकिन डिफेंस इस टीम के सामने 2 गोल कंसीड किए। लेकिन उससे पिछले मुकाबले फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और फिर से मैच जमशेदपुर एफसी 1-0 से मैच को विन कर गई। फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और उस मैच को बेंगलुरु एफसी ने विन किया, और उससे पिछले मुकाबले एक मैच इन दोनों टीमों के बीच में डिफेंसिव वाइज ड्रॉ खेला गया और फिर जमशेदपुर एफसी ने इस टीम के सामने 5-1 से मैच को विन किया। तो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो हेड टू हेड में जमशेदपुर एफसी का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। अटैकिंग वाइज इस टीम के सामने पर मैच में गोल किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड किया है। तो इसलिए मैं फेवरेट टीम यहां से जमशेदपुर एफसी को मान के चलता हूं। लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस जमशेदपुर एफसी ने करंटली 6 मैच खेले हैं, जिनमें से 3 मैच इस टीम ने विन भी किए, 2 मैच ड्रॉ भी खेले, सिर्फ 1 ही मैच लॉस किया है। अटैकिंग वाइज पर मैच में 2.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। परफॉर्मेंस काफी शानदार है फिलहाल के टाइम पर इस टीम का। अटैकिंग वाइज तो गोल पर मैच में करती ही है, लेकिन डिफेंस वाइज कहने कहीं एक बेहतर और एक एवरेज टीम के सामने भी पर मैच में गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच जमशेदपुर एफसी 4-0 से मैच को विन करके आ रही है, उससे भी मुकाबले सिटी के मतलब मुंबई सिटी के सामने मैच खेली और 4-2 से ये टीम लॉस की, लेकिन उससे भी मुकाबले मोहन बगान के सामने ये टीम 2-1 से मैच को विन की है और एक मैच इस टीम ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला। फिर से इस टीम ने
एफसी गोवा के सामने 3-1 से मैच को विन किया है, और एक मैच फिर से इस टीम ने अटैकिंग वाइज मैच को विन अटैक मतलब ड्रॉ खेला है। तो परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो काफ़ी शानदार है। ये टीम प्रत्येक मैच में गोल कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं एक एवरेज टीम के सामने भी पर मैच में एक गोल कंसीड कर देती है। तो अब बात आती है जो बेंगलुरु एफसी का जो करंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में नज़र डालते हैं। तो गाइस बेंगलुरु एफसी ने करंटली 6 मैच खेले जिनमें से अभी तक एक भी मैच विन नहीं किया, बल्कि 2 मैच ड्रॉ खेले, 4 मैच लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 2.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज आप मान सकते हो कि ये टीम पर मैच में गोल कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज टीम कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 1 या 2 और कभी कभी तो 3 गोल तक कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच बेंगलुरु एफसी मोहन बगान के सामने 3-3 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही है, उससे पहले मुकाबले ये टीम 2-1 से मैच को लॉस की, फिर यहाँ से 1-0 से लॉस की, फिर इससे पिछले मुकाबले ये टीम 3-1 से लॉस की, फिर एक मैच अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला, फिर इस टीम ने 3-1 से मैच को लॉस किया। तो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिसेंट के 6 मैच में एक मैच में इस टीम ने गोल नहीं किया, बल्कि सारा मैच में इस टीम ने गोल किया भी है और डिफेंसिव वाइज पर मैच में गोल कंसीड भी किया है। तो गाइस अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकती है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म पर नजर डाली। अगर गाइस इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर करें कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो बात करते हैं। तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जमशेदपुर एफसी का काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है और बेंगलुरु एफसी भी पर मैच में गोल करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज कहने के गोल कंसीड भी कर देती है। लेकिन हेड टू हेड में देखा जाए तो जमशेदपुर एफसी ने इस टीम के सामने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया, पर मैच को विन भी किया है, लेकिन गोल इस टीम ने 2 मैच में 1 ही कंसीड किया, और बेंगलुरु एफसी ने इस टीम के सामने कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि एवरेज ही परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गाइस जमशेदपुर एफसी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है, लेकिन बेंगलुरु एफसी ने भी पर मैच में गोल किया है और डिफेंस पर मैच में कम से कम 2 या 3 गोल कंसीड भी किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से जमशेदपुर एफसी इस मैच में एक फेवरेट टीम निकलकर आती है। तो गाइस फाइनली इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए, तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच कम से कम जमशेदपुर एफसी 2-1 से मैच को विन कर जाएगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है जमशेदपुर एफसी का और बेंगलुरु एफसी भी कहीं ना कहीं पर मैच में एक गोल कर देती है। तो इसलिए अपना इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन अभी के लिए 2-1 का है, और 2-1 का प्रेडिक्शन का अनुसार ही हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम 11 पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जमशेदपुर एफसी के प्लेयर्स के बारे में, फिर नजर डालेंगे बेंगलुरु एफसी के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं जमशेदपुर एफसी के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए मैं हर एक डिटेल्स इस वीडियो में लाता रहता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर सकते हो। और हाँ, इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप का कमेंट और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हुए हम सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं सबसे पहले जमशेदपुर एफसी के प्लेयर्स के बारे में। भाई जमशेदपुर एफसी की टीम तरफ फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर ग्रेग सटी वर्ल्ड इस टीम की तरफ से 4 गोल कर चुका, ऑब्वियस पिक रहेगा, बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है और इन्हीं को टीम में कैप्टन बनाना है। और वहीं पर बात करें सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम तरफ से पीटर हार्टली है, जिसने 2 गोल किए और दोनों गोल हेडर में आए। तो ये सेंटर बैक काफ़ी अच्छा है और मतलब पासिस भी निकालता है, इंटरसेप्शन टैकल का ज़्यादा पॉइंट देता नहीं, लेकिन अच्छा है और इन्हें टीम में ट्राई करके चलेंगे। और यहाँ से वाल्सकिस इस टीम की तरफ से 2 गोल कर चुका, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इस टीम की तरफ से सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलता नजर आएगा, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि दूसरी टीम का डिफेंस थोड़ा सा डाउन है तो कहीं ना कहीं इसका परफॉर्मेंस आ सकता है। और यहाँ से साबिया जो कि हेडर में एक गोल कर चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ड्रॉप नहीं करना है। जॉर्डन मरे इस टीम की तरफ से 1 गोल कर चुका है, और यहाँ से अलेक्जेंडर लीमा एक ऐसा प्लेयर है जो डिफेंसिव पॉइंट तो देता प्लस असिस्ट पोटेंशियल भी है और गोल लॉन्ग बॉल से गोल भी करके दे सकता है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन्हें भी ड्रॉप नहीं करेंगे। और बाकी का आप सामने प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोमल था थल इस टीम की तरफ से 1 गोल कर चुका, अगर इसके जो पोजीशन अटैकिंग वाइज रही तो इसको मैं अपनी टीम में जरूर रिकमेंड करूंगा, वरना ड्रॉप करूंगा। ओके, तो यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिन्हें हम टीम में ट्राई करके चलना है ग्रेग है, और यहां से पीटर हार्टली है, और यहां से वाल्सकिस है, और यहां से साबिया है, और आपके सामने लीमा है, इनको तो आप अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप ना करना। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं इन प्लेयर्स के लिए, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में हम अगर देखा जाए तो
ग्रेग सटीवर्ट इस टीम की तरफ से 4 असिस्ट 4 गोल कर चुका है। तो मेरे कहने का मतलब यही कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ड्रॉप नहीं करना है। जितेंद्र सिंह जो कि डिफेंसिव पॉइंट इतना खास देता भी नहीं है, असिस्ट 2 कर चुका है, लेकिन मैं अभी के लिए ड्रॉप ही करूँगा। यहाँ से वाल्स किस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप ड्रॉप मत करना, एक अच्छा प्लेयर है, फिर से बोल रहा हूँ। और यहाँ से लीमा है, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको भी ड्रॉप नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप इनको पिक करके चल सकते हो। अब बात आती है जो सेकंड टीम, उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं बेंगलुरु एफसी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज बेंगलुरु एफसी की टीम तरफ फिलहाल टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर क्लेटन सिल्वा इस टीम की तरफ से 4 गोल कर चुका है और 1 गोल पेनल्टी में किया। तो फिलहाल के टाइम पर ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर तो नहीं कह सकते क्योंकि सुनील छेत्री इस टीम में तो ऑलरेडी 2 पेनल्टी मिस कर चुका है, लेकिन सिल्वा का चांस रहेगा अगर ये स्टार्टिंग लाइनअप में खेलेगा और सुनील छेत्री नहीं खेलेगा, तो उस कंडीशन में ये सिल्वा फर्स्ट चॉइस पेनल्टी के रूप में खेलते नजर आएगा। और यहाँ से प्रिंस इब्रा जो कि 2 गोल कर चुका है, लेकिन ज़्यादा मैं इस पर भरोसा करता नहीं हूँ और आप चाहे तो पिक करके चल सकते हो, लेकिन ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट देता भी नहीं है। तो यहाँ से दानिश फारूक भट्ट ये खेल चुका है आई लीग, यानी आई लीग क्या होती है, यानी इस लीग से जो निचली सतर की लीग यानी सेकंड डिवीजन लीग में खेल चुका है और वहाँ पर इस टीम मतलब रियल कश्मीर के लिए खेला और परफॉर्मेंस अच्छा किया है। लेकिन याद रहे ये पासेस नहीं निकाल पाता लेकिन इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट दे जाता, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है एक बेहतर प्लेयर, लेकिन मैं इसको अभी के लिए ड्रॉप ही करके चलाऊँ। अलान कोस्टा इस टीम तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन्हें ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि डिफेंसिव पॉइंट देता प्लस हेडर में भी आने का चांस रहता है इसका, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, बाकी का आप रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है सिल्वा है और यहाँ से अलान कोस्टा, मैं इन दो को ही आपके लिए पिक करने के लिए बोलूंगा, बाकी आपके सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात आती है जो इस टीम तरफ कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं इन प्लेयर्स के लिए, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइज असिस्ट मामले में अगर देखा जाए तो रोशन सिंह है जो कि एक बेहतर प्लेयर है, प्लस में ये डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छा देता है, ये कम से कम बिना गोल के 20-25 पॉइंट तो आराम से दे जाएगा, तो मेरे हिसाब से एक सेफ पिक रहेगा, आप टीम में ट्राई करके चलना। सिल्वा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको ड्रॉप नहीं करेंगे। एलान कोस्ट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन्हें भी ड्रॉप नहीं करेंगे। उदयंत सिंह का खेलने का चांस काफ़ी डाउन है, तो इसलिए मैं इसको अभी के लिए ड्रॉप ही करके चला हूं। अब बात आती है इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहती है इस मैच, जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो नज़र डालते हैं सीधे ड्रीम इलेवन की टीम पर। तो गाइज गोलकीपर में आपके पास 2 ऑप्शन देखने मिलेंगे, एक रहनेस और आप यहाँ से देखने को मिलेंगे गुरप्रीत सिंह संधू, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोनों, लेकिन याद रहे बेंगलुरु भी अच्छी अटैकिंग वाइज कर लेती है, तो मेरे हिसाब से रहनेस एक इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सेव गोल करने के चांस इसी को ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ से पीटर हार्टली ड्रॉप नहीं करना है, साविया है ड्रॉप नहीं करना है, रोशन सिंह है ड्रॉप नहीं करना है, तो इन तीन को तो मैं अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा। अब बात आती है आप यहाँ से एलान कोस्टा को पिक करते हो या यहाँ से आपके सामने काफ़ी देखने को मिलते हैं क्रोनिया देखने को मिलता है और यहाँ से आपके सामने रिकी देखने को मिलेगा, आप इन्हें भी ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन मैं टॉप 3 को ही अपनी टीम में अभी के लिए पिक करके चलाऊँ। फॉर एग्जाम्पल ये अभी कोस्टा को पिक करके चलाऊँ क्योंकि कोस्टा का भी हेडर स्ट्रॉन्ग काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से बात करें लीमा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है और यहाँ ब्रूनो सिल्वा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, डिफेंसिव पॉइंट देता ही देता है, तो इन्हें ड्रॉप नहीं करेंगे। अब आपके सामने यहाँ से फारूक है, फारूक भट्ट है और यहाँ से थाथल है, इन दो में से किसी को ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम मान के चले हैं फारूक भट्ट को। आप चाहे तो थातल को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं फारूक भट्ट को क्योंकि इंटरसेप्शन ये काफ़ी अच्छा कर लेता, 3-4 इंटरसेप्शन कर ले तो मतलब 20 पॉइंट इसका बन ही गए। तो यहाँ से बात करें ग्रेग सटीवर्ट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्लेटन सिल्वा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वाल्स किस और सुनील छेत्री अगर खेलते नजर आए तो इन दो में इसको एक को ही पिक करना, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा अगर अटैकिंग वाइज जाना तो यहाँ से वाल्स किस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर आपको जाना कि पेनल्टी आ सकती है इस मैच में तो सुनील छेत्री एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, लेकिन फिलहाल के टाइम पर सुनील छेत्री का परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है, आपने देखा कि इसका एक भी गोल अभी तक आया नहीं है, एक असिस्ट ही आया वरना इसका गोल नहीं आया, तो इसलिए मैं वाल्स किस को ही अपनी टीम में प्रेफरेंस दूंगा। तो बात करें कैप्टन की तो ऑब्वियस पिक रहेगी यहाँ से ग्रेग सटीवर्ट, वाइस कैप्टन की आपके पास चॉइस है क्लेटन सिल्वा को दे सकते हो और यहाँ से लीमा को जनता बना रही दे सकते हो क्योंकि डिफेंसिव पॉइंट तो कम से कम 20 प्लस तो दे ही जाएगा, 25 पॉइंट मान के चलो आप इसका बिना गोल के भी, और यहाँ से सिल्वा का भी मतलब ब्रूनो सिल्वा का भी ऐसा ही है कि ये भी कम से कम 20 प्लस पॉइंट आपके लिए बिना गोल के दे ही जाएगा। अब यहाँ से आप चाहे तो कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं सिल्वा को अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना के चला हूँ। तो गाइस बात करें फाइनल प्रीव्यू के बारे में, हाँ अगर आपको डिफेंडर में किसी प्लेयर को वाइस कैप्टन देना तो यहाँ से आपके पास जो है कोस्टा हार्टली नहीं, मेरे हिसाब से रोशन सिंह सही है क्योंकि डिफेंसिव पॉइंट देता है प्लस ये असिस्ट पोटेंशियल भी हाई है, तो इसलिए इन्हें भी ट्राई करके चल सकते हो। बात करें कैप्टन मतलब फाइनल प्रीव्यू के बारे में, तो गाइस फाइनल फिलहाल के लिए ये है जिसमें कैप्टन ग्रेग सटीवर्ट को बना के चले, वाइस कैप्टन
सिल्वा को पिक करके चलाए हैं। अब आपके सामने सारे प्लेयर्स के मैंने डिटेल्स में बात की है, तो आप चाहे तो किसी को वाइस कैप्टन कैप्टन बना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों सेफ पिक प्लस एक बेहतर पिक आपके लिए यही देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगे कि हल्का सा रिस्क लेना चाहिए तो यहाँ से वाल्स किसको अपनी टीम में एज ए वाइस कैप्टन के तौर पर पिक करके चल सकते हो। और यहाँ से लीमा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है ही, बिना बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो कंटिन्यू ISL खेल रहे होंगे वो मेंबर जानते हैं कि ये बिना गोल के भी ये 20-25 पॉइंट दे ही जाता है। अगर असिस्ट आ गए तो 50 पॉइंट तो आप मान के चलो, तो इन्हें भी वाइस कैप्टन दे सकते हो, लेकिन आप कर सकते हो अभी के लिए, लेकिन लाइनअप आने के बाद मैं करूँगा। जो मिलेगी फाइनल टीम वो आपको टेलीग्राम मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप का कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, जैसे पिछला मैच हमारा ISL का गया था ना, उसी तरह आज का भी उम्मीद है जाएगा, लेकिन अपना यार सपोर्ट दिया करो। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह हमारा सपोर्ट करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।